मेरे ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर के आई हूँ, और वो भी पिंपल्स के बारे में। पिंपल्स के बारे में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर ने कमेंट करके बोल रहे थे कि मुझे बहुत सारा पिंपल्स हो गया है और वो जा ही नहीं रहा है, पूरा चेहरा पे कवर कर लिया है। तो इसलिए आज मैं उसी पे वीडियो बनाने वाली हूँ, और मैं एक पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ पिंपल्स पे, तो आप लोग ज़रूर उसे जा कर के देखिए। वो बहुत ही अच्छा वीडियो है, जो मैं बता देती हूँ आप लोगों को उसको छोटे से इसमें कि वो क्या है। क्योंकि फिटकरी जेंट्स लोग सेविंग करने के टाइम में लगाते हैं, वो तो सब लोग जानते ही होंगे। तो उसी फिटकरी को क्या करना है, आपको पाउडर बना लेना है। उस पाउडर में या तो गुलाब जल या पानी, किसी से थोड़ा सा पेस्ट बना लीजिए, और जहाँ पे पिंपल्स है वहाँ पे लगा लीजिए। या आपके फेस, पूरे फेस में पिंपल्स है तो उसे पूरे फेस में फेस पैक के तरह लगा लें। देखिए 8 दिन में वो पिंपल्स बिल्कुल गायब हो जाएगा, और वो एंटी एजिंग भी फेस पैक है, इसलिए उससे कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं हो, क्योंकि एंटीसेप्टिक है। जेंट्स लोग सेविंग करने के बाद इसलिए लगाते हैं कि कहीं कटा हुआ रह गया तो उसका साइड इफेक्ट ना हो, तो इसलिए वो एंटीसेप्टिक है, उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, आप उसे लगा सकते हैं। फिटकरी के बहुत सारे गुण हैं, मैं बहुत वीडियो में बोल भी चुकी हूँ कि फिटकरी के बहुत सारे गुण हैं, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि फिटकरी के क्या क्या गुण हैं। अगर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और अब आज जो मैं रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, वो जो दाग रह जाते हैं, अगर पिंपल्स चला भी गया तो दाग रह जाता है, तो वो दाग आप इस रेमेडी से हटा सकते हैं। पिंपल्स तो जाएंगे ही जाएंगे, और आपके दाग और जो गड्ढे हो जाते हैं वो भी जाएंगे। और मैं 2 स्टेप आप लोगों को बताने वाली हूँ, दोनों स्टेप आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर आप एक स्टेप करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करेगा, इसलिए दोनों स्टेप आपको करना पड़ेगा। और ये होता क्यों है, पिंपल्स होता क्यों है, पिंपल्स इसलिए होता है कि आप अपने चेहरे की अच्छे से सफाई नहीं करते हैं, इस कारण से होता है। क्योंकि मैं भी पहले जब छोटी थी तो उस समय मेरे फेस पर बहुत सारा पिंपल्स हो गया था, लेकिन जैसे ही होने लगा उसके बाद से मैं कुछ करने लगी, जिससे कि मेरे पिंपल्स, मेरे देख सकते हैं कि मेरे दाग वगैरह भी नहीं हैं, तो वो खत्म हो गया। और अब जा करके मैं, मेरे फेस पे आता भी नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये चीज। तो चलिए इस रेमेडी को आप लोग देखिए, और अगर पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी फायदा हो। क्योंकि पिंपल्स हम एज वाले होते हैं, उन लोगों को सबको होता है, लड़का हो या लड़की हो, सबको होता है। इसलिए इस रेमेडी को सबको बताना चाहिए और सब लोग को जानना चाहिए। और जितने भी रेमेडी मैं डालती हूँ, मैं देती हूँ आप लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, शायद ही किसी चीज़ में आप लोगों को जाना पड़े, आपके किचन में हमेशा उपलब्ध रहता है। इसलिए मैं किचन से ही रिलेटेड आप लोगों को सारे रेमेडी बताती हूँ। तो चलिए इस रेमेडी को भी देखिए, और पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए, जिससे कि आप लोगों को और भी फायदा हो, और जल्दी से जल्दी आप लोग इस रेमेडी को देखें और करें। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी फेस पैक। फेस पैक के लिए एक बॉल लेना है, उसमें आपको डालना है पूरा 1 चम्मच मधु, हनी, और उसके साथ मिलाना है दालचीनी। दालचीनी का पाउडर अगर आपके पास है तो वो मिला लीजिए, अगर दालचीनी का पाउडर नहीं है, स्टिक्स है, तो उन्हें भी आप चूर करके इसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छे से सूखा हुआ रहता है, आसानी से उसका पाउडर बन जाता है। और दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में होता है, और इसमें ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है जिससे कि आपके जो दाग धब्बे रहते हैं और एजिंग के प्रॉब्लम, वो सारे चीज़ को ये दूर करता है। इसमें बहुत अच्छे गुण रहते हैं, इसलिए दालचीनी का उपयोग ज़रूर करना चाहिए अपने फेस के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। अभी विंटर का सीज़न है, इसलिए मैं आपको मधु के साथ बता रही हूँ। अगर समर में आप इसे लगाएंगे तो आप मुल्तानी मिट्टी के साथ इसे मिला करके लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मधु तो जानते ही हैं क्लिंजर का काम करता है, तो मधु हो गया। उसके बाद मैं डाली हूँ 5 बूंद ग्लिसरीन का, जो मौसम विंटर सीजन है इसलिए आपके चेहरे पे मॉइस्चराइजर बना रहे और फेस ड्राई ना हो।
अगर ज़्यादा फेस ड्राई हो जाएगा तो फिर और प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं आप लोगों को ये सारा कुछ बता दे रही हूँ। और इसे अच्छे से फेस पे लगा लीजिए, पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेना है। और लगाने के बाद इसे लगभग 10 से 15 मिनट अपने फेस पे लगा रहने दीजिए, उसके बाद से इसे धो लेना है। और धोने के बाद मैं दूसरा स्टेप बताऊंगी जो ज़रूर करना चाहिए करना है। अगर आप ये पहला स्टेप किए तो दूसरा स्टेप भी आपको करना ही करना है, और उससे आपके जितने भी पिंपल्स हैं, ओपन पोर्स हैं, वो होंगे और आपके फेस पे पिंपल्स आने रुक जाएंगे और पिंपल्स के दाग भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। आप लगातार इसे डेली कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन करें। ये वाला पैक आप डेली कर सकते हैं। और फिटकरी का जो मैं बताई हूँ वो और भी अच्छा है, फिटकरी को भी आप उस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं दूसरा स्टेप बताती हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। ये वाला फेस पैक आपके सूख जाएंगे, तब तक मैं आपको ये वाला बता देती हूँ। एक गिलास एक कप पानी लेना है और उसमें आपको एप्पल साइडर विनेगर उसमें 2 चम्मच डाल देना है। और इसे बना के टोनर के तरह आप इसे स्प्रे बोतल में भी रख सकते हैं या किसी चीज़ में रख के, जब आपके ये पैक सूख जाएंगे और धो लेंगे तो देखिए मैं यहाँ पे धो चुकी हूँ। धोने के बाद इसे अपने फेस पे टोनर के तरह यूज करना है और लगा रहने देना है। उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर भी इस पे लगा सकते हैं, लेकिन ये टोनर के तरह आपको यूज करना है, जिससे कि आपके फेस एकदम अच्छे से क्लीन हो जाए और जितने भी दाग धब्बे हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाए और पिंपल्स तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे इससे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर देना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।